आज हम बनाएंगे दाल, सिंपल दाल। पहले हम एक मीडियम पे आंच लेंगे और इसको हम फाइन चॉप करेंगे। ये दाल बहुत आसान है बनाने में और ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं काट रहा हूँ, आप भी ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आपको आता है वैसे फाइन चॉप कर सकते हैं। हम एक टमाटर लेंगे और इसका हम ये काट देंगे, मीडियम साइज टमाटर लेंगे और इसको भी हम फाइन चॉप करेंगे। एक अदरक का छोटा पीस लेंगे, इसको हम स्लाइस करेंगे, पतले पतले स्लाइस करेंगे, इसको भी हम फाइन चॉप ही करेंगे। पहले को स्लाइस करेंगे, फिर इसको हम जुलियन काटेंगे। पतला पतला मैस्टिक या जुलियन जो आप बोल सकते हो, करीब हम जुलियन बोलते हैं, उसको से काटेंगे, उसको ऐसे रखेंगे हम और इसको हम फाइन चॉप करेंगे इस तरीके से। देखिए बहुत जल्दी फाइन चॉप हो गया। हम कुछ लहसुन के लेंगे, इसको भी हम फाइन चॉप करेंगे। मेरे लहसुन थोड़े छोटे छोटे, आप बड़े बड़े लहसुन यूज़ कर सकते हैं। देखिए फाइन चॉप कर देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं कि हमें मैंने सामान लिया हुआ है, या मैंने अदरक लिया हुआ है, प्याज लिया हुआ है, टमाटर लिया हुआ है, चॉप ग्रीन चिल्ली लिया हुआ है, हल्दी लिया है, राई का दाना लिया है और लहसुन लिया हुआ है और नमक लिया हुआ है। ये सब सामान है जो दाल में जाएगा। और ये उबला हुआ दाल है, मसूर का दाल, इसे मैंने नमक और हल्दी डाला हुआ है, डाल के उबाला था। याद रखिए पहले हमारा पैन गर्म होना चाहिए। जैसे हमारा पैन गर्म हो गया, अब मैं घी डालूंगा इसमें। मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप कोई मसाला भूनते हैं, कभी तड़का मारते हो, तो तेल गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडे तेल में मारोगे तो उस मसाले का कोई फ्लेवर नहीं आएगा। तो हमारा घी गर्म हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें धुआं उठ रहा है। आपको भी ऐसे ही गर्म करना है अपना तवा। अब इसमें हम अपने राई का दाना डालेंगे, मस्टर्ड सीड जो इन्हें बोलते हैं। देखिए कैसे चटक रहे, ऐसे चटकना चाहिए। इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप अदरक के जो हमने काटे हुए थे वो डालेंगे, और फिर हम डालेंगे लहसुन डालेंगे, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सौते करेंगे 30 सेकेंड के लिए। अब याद रखिए कि आपका अगर लहसुन जल रहा है तो गैस कम कर दीजिए, हमें लहसुन जलाना नहीं है। अब थोड़ा हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और प्याज डालेंगे हम। याद रखिए प्याज को हमें पूरा पकाना नहीं है, इसको हम गलाना है हमें। उसको हम 30 सेकंड उसको हल्के से पकाएंगे, गलाना है मतलब। अब इस हम ग्रीन चिल्ली डालेंगे जो चॉप, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम टमाटर डालेंगे अपने, इसको अच्छे से हम पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, इसको गलाना है हमें, मसालों को पकाना है हमें। हम नमक डालेंगे थोड़ा सा टमाटर को गलाने के लिए।
जैसे आप सभी देख सकते हैं कि हमारे टमाटर गल गए हैं और हम उसमें दाल डालेंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाइए मसालों को। अगर आपको लग रहा है आपका दाल ज़्यादा गाढ़ा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा पानी डालिए थोड़ा पतला करने के लिए। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। जैसे कि आप दाल में देख सकते हल्के हल्के बबल आ रहे हैं इसमें देखिए वीडियो में, तो अब हमने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। याद है कि आपने पहले भी नमक डाला था, तो दाल को टेस्ट करिए फिर नमक डालिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम और वेट करेंगे एक अच्छे बॉईल के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बॉईल आ चुका है हमारे दाल में, इसका मतलब दाल बन चुकी है हमारी। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए हमारा दाल रेडी है, कलर भी बहुत आया है, सिंपल दाल है, घर पे आप बना सकते हो, ज़्यादा कोई वो नहीं है मुश्किल, घर में हर घर में मिल जाता है ये दाल। इसको हम थोड़ा धनिया डाल के थोड़ा वो करेंगे, याद रखिए धनिया पहले मत डालिए, उबलते वक्त धनिया काला हो जाएगा। अब धनिया डालिए, देखिए दाल कितना प्यारा बना और बहुत टेस्टी भी है हमें पता है, आप भी ट्राई करें। थैंक यू।